भारतीय टेलीविजन पर, दूरदर्शन पर या कोई भी प्राइवेट चैनल पर आज तक जितने भी टीवी सीरियल प्रसारित हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय टीवी सीरियल आज तक हुआ है रामायण। 80 के दशक के मध्य में जब ये टीवी सीरियल हर रविवार को सुबह 9 बजे प्रसारित हुआ करता था, तब शहरों में, गांवों में, सड़कों पर ये हाल था जैसे कर्फ्यू का सन्नाटा होता है। इस प्रकार से कर्फ्यू जैसा माहौल रहता था और हर व्यक्ति टेलीविजन के सामने उपस्थित रहता था इस सीरियल को देखने के लिए। दोस्तों, इस सीरियल के निर्माता निर्देशक रामानंद सागर जी को इस टीवी सीरियल को बनाने का विचार, आइडिया कहाँ से आया, इसके विषय में आज हम जानेंगे और जानेंगे रामायण के बारे में कुछ और भी पहलू। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन और ऑल के ऑप्शन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच पाए। दोस्तों, ये बात है 1975 की, जब रामानंद सागर जी उन्हीं की एक फिल्म चरस की शूटिंग के लिए पूरी यूनिट सहित यूरोप गए हुए थे और वहाँ पे चरस फिल्म की शूटिंग इन्होंने माल्टा, एक जो जगह है मेडिटेरेनियन सी के पास में ही लगी हुई, वहाँ पे स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, इन सभी लोकेशंस पे इन्होंने उसकी शूटिंग की थी। और एक बार पूरी यूनिट जब शूटिंग करके लौट रही थी तो ये बात है लगभग स्विट्जरलैंड से फ्रांस के बीच के कहीं कोई रेस्टोरेंट की, जब सब बहुत थक चुके थे और वहाँ खाने के लिए ये लोग रुके थे, तब रामानंद सागर जी की पूरी टीम वहाँ बैठी हुई थी और वहाँ पे होटल का जो संचालक था या मैनेजर था, उसने अचानक एक बॉक्स उठा करके लाया और बॉक्स में एक बटन था, उसको ऑन करा और सब ने जब देखा तो उसमें फिल्म चल रही थी। और ये देख करके सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें फिल्म चल रही है, इसमें कोई प्रोजेक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कलर टीवी थी दोस्तों। तो ये देख करके रामानंद सागर जी को बड़ा कौतूहल हुआ, बड़ी क्यूरोसिटी हुई, उन्होंने उसके बारे में पता करा तो उन्हें बताया गया कि ये जो डिवाइस है इसको टेलीविज़न बोलते हैं, छोटा पर्दा है ये। और बड़ा उनको देख करके प्रसन्नता हुई और तब उन्होंने ये संकल्प लिया और उस संकल्प को सभी के साथ साझा भी किया, शेयर भी किया कि अब मैं फिल्मों को पूरी तरह से छोड़ दूंगा और टेलीविज़न पे मैं कुछ सीरियल बनाऊंगा जब ये टेलीविज़न हमारे देश भारत में लॉन्च हो जाएगा। और दोस्तों, ये तो बात हो गई, बात बीत गई, लेकिन जब फिर 80 का दशक आया और 1982 में जब एशियाड खेल्स हुए, तब प्रॉपर तरीके से सभी जगह टेलीविज़न आया। और रामानंद सागर जी को ये विचार तब भी था कि मैं टेलीविज़न सीरियल बनाऊंगा। शुरुआत में उन्होंने एक टेलीविज़न सीरियल बनाया जिसका नाम था विक्रम और बेताल, और जो रामायण टेलीविज़न सीरियल बनाया उसमें वही कास्ट थी जो रामानंद सागर जी ने विक्रम और बेताल में ली थी। और उनके दिमाग में ये एक विचार तो था ही कि मैं भारत जन के जनमानस में जो सबसे जो उनके नायक हैं राम जी, भगवान राम, उन पर एक टेलीविज़न सीरियल बनाऊंगा। और उसको उन्होंने मूर्त रूप देना चालू किया लगभग 80 के दशक की शुरुआत में, जब विक्रम और बेताल बन चुका था, तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं ये टीवी सीरियल बनाऊंगा। इसके लिए कास्ट पूरी तय की गई, अरुण गोविल जी को राम के रूप में चुना गया। हालांकि शुरू में उन्हें ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर बाद में उन्हें ही चुना गया। सीता जी के लिए दीपिका चिखलिया जी को चुना गया, सुनील लाहिड़ी जी जो हैं वो लक्ष्मण बने, दारा सिंह साहब हनुमान बने, ऐसे करके इसकी पूरी कास्ट चुनी गई और गुजरात के पास एक जगह पर वहाँ पूरी इसकी शूटिंग हुई थी। दोस्तों, रामायण सीरियल का प्रति एपिसोड में लगभग 9 लाख रुपए का खर्चा रामानंद सागर जी को आया, जो कि अपने समय में सबसे महंगा टीवी सीरियल था। और 9 लाख उस जमाने के 80 के दशक के शुरुआत में बहुत होते थे दोस्तों। और जब ये पूरा टीवी सीरियल बना और लगभग 78 एपिसोड इसके बने, तब जो राष्ट्रीय चैनल है भारतवर्ष का, दूरदर्शन, उस पर इसका प्रसारण हुआ और प्रति रविवार को 9 बजे इसका प्रसारण हुआ करता था। हर एपिसोड से दूरदर्शन ने 40 लाख रुपए की कमाई की।
दोस्तों ऐतिहासिक सफलता अर्जित की इस टीवी सीरियल ने, और लगभग पांचों कॉन्टिनेंट्स में, लगभग हर देश में ये देखा गया सीरियल, और आज तक का रिकॉर्ड है, ब्लॉकबस्टर है ये सीरियल। इसके जो व्यूवरशिप थी 65 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसको देखा, और दोस्तों क्या लोकप्रियता अर्जित करी है इस टीवी सीरियल ने। और मैं तो रामानंद सागर जी को कलयुग का तुलसीदास कहूँगा, जिन्होंने पुनः रामायण को बनाया। तुलसीदास जी ने तो लिखा था रामचरितमानस जी के रूप में, लेकिन इन्होंने टीवी पर सीरियल के रूप में बनाया और पूरे विश्व के लोगों को ये बताया कि भारतीय संस्कृति क्या है, पिता की आज्ञा क्या है, और कैसे एक पुत्र अपने पिता के आज्ञा का पालन करता है, और कैसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, और कैसे एक भाई अपने बड़े भाई की सेवा करता है, और कैसे एक भाई अपने भाई की अनुपस्थिति में राज का पालन करता है, और उन्हें ही राजा मान करके उनकी चरण पादुका, उनकी चप्पल जो है उसको गद्दी पे बिठाता है और खुद पूरे राज्य की रक्षा करता है। तो दोस्तों ये टीवी सीरियल जो बना रामायण, इसने पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति की धाक जमा दी, और पूरे विश्व में लोग ये समझने लगे कि भारतीय संस्कृति जो है कितनी महान है। यहाँ पे पिता का शीश काटा नहीं जाता, यहाँ पिता की आज्ञा का पालन किया जाता है। पिता की आज्ञा से 14 वर्ष वन में एक बेटा रहता है और धर्म का पालन करता है और धर्म की स्थापना करता है। तो दोस्तों ऐसे टीवी सीरियल ये बना, इसका म्यूजिक रविंद्र जैन साहब ने दिया, सारे छंद और चौपाई समय समय पर जो प्रसंग घटते हैं उस पर उन्होंने बनाए, और कई उनको अलौकिक अनुभव भी हुए, कई आध्यात्मिक अनुभव हुए, और वैसे ही रामानंद सागर जी के साथ भी हुआ, उन्हें कई ऐसे अनुभूतियाँ हुई इस टीवी सीरियल को बनाने के दौरान। और एक गुप्त रूप से एक ऋषि मुनियों का दल उनसे हिमालय गुप्त क्षेत्र से आकर मिला भी, और उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया कि यह आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, और देखिए दोस्तों अभूतपूर्व सफलता उसने हासिल की इस टीवी सीरियल ने। और ये बड़े एक आश्चर्य की बात है कि इस टीवी सीरियल का पुनः प्रसारण किया गया सभी प्राइवेट चैनल्स पे सन 2020 में, जब कोरोना नाम की वैश्विक महामारी आई, तब सभी लोग घर पे थे और लॉकडाउन का माहौल था, तब भारत की सरकार ने ये एक विचार किया कि इस टीवी सीरियल को फिर से प्रसारित करना चाहिए। और इस प्रकार से दोस्तों जो हमारी नई पौध है, जो न्यू जनरेशन है, जिन्होंने ये टीवी सीरियल नहीं देखा था, उन्हें फिर से ये टीवी सीरियल दिखाया गया, जिससे उनमें राष्ट्रीयता का, अपनी संस्कृति के प्रति गर्व का बोध आए, और बहुत अच्छा पहल थी ये भारतीय सरकार की। और एक बार पुनः दोस्तों सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया इस टीवी सीरियल ने, इसकी व्यूवरशिप इतनी रही। तो ऐसे ये टीवी सीरियल बना दोस्तों, और क्या लाजवाब इसकी कास्ट थी, हर भूमिका में जिसने भी जिस भी एक्टर ने की थी अपने आप में लाजवाब थी दोस्तों। ऐतिहासिक ये टीवी सीरियल हो गया, और हमारे मन मस्तिष्क पे, हमारी मेमोरी पे, हमारी यादों में हमेशा के लिए टीवी सीरियल ये टच बस गया। दोस्तों मूलतः रामायण सीरियल वाल्मीकि रामायण पर आधारित था, लेकिन इसके अलावा दोस्तों ये रामचरितमानस तुलसीदास कृत जो थी उससे भी काफ़ी रेफरेंसेस लिए गए। उसके अलावा जो प्रादेशिक स्तर पे जिन भी कवियों ने रामायण लिखी थी वहाँ से भी इसके रेफरेंसेस ले गए, जैसे कि कुछ जो अलग अलग भाषाओं में जो रामायण लिखी गई, तमिल कंब रामायण, या फिर दोस्तों मराठी भावार्थ रामायण जो है उससे भी लिए गए, बंगाली कृतिवास जो रामायण है, तेलुगु श्री रघुनाथ रामायण जो है रंगनाथ रामायण उससे लिए गए, फिर उसके बाद कर्नाटक जो कन्नड़ा रामचंद्र चरित पुराणम है उससे भी रेफरेंसेस लिए गए, मलयालम जो अध्यात्म रामायण है उससे रेफरेंसेस लिए गए, और दोस्तों एक उर्दू में भी चाकबस्त एक कवि हुए हैं, उन्होंने रामायण लिखी थी उससे भी रेफरेंसेस लिए गए। तो इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग रामायण
जो लिखी गई हैं सभी से इसमें रेफरेंसेस लिए गए और सारे जो प्रसंग हैं बहुत ही प्रामाणिक हैं, सत्य पे आधारित हैं। और दोस्तों क्या जादू किया है इस टीवी सीरियल ने। मैं कहता हूँ ऐसा टीवी सीरियल भारतीय इतिहास में क्या पूरे विश्व के इतिहास में आज तक नहीं बना दोस्तों। तो ये पूरी कहानी थी रामायण के बनने की, और रामानंद सागर जी ने तो एक टीवी सीरियल बना के ही मोक्ष की प्राप्ति कर ली। दोस्तों इस टीवी सीरियल से जुड़े जितने भी पात्र थे, जो भी कलाकार थे, चाहे वे किसी भी विभाग के रहे हों, उन्होंने इतने पुण्य कर्म अर्जित कर लिए हैं कि ईश्वर की उन पे परम कृपा रहेगी। और दोस्तों टीवी सीरियल तो कई बने लेकिन रामायण जैसा टीवी सीरियल आज तक नहीं बन पाया। ये कहानी थी रामायण के बनने की। और दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आगे भी मैं प्रामाणिक जानकारियाँ आप लोगों के लिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। बने रहिए मेरे चैनल पे, और आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप लोग अपना बहुत ध्यान रखें दोस्तों। नमस्कार।